एबीबीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित दूल्हापुर और सुदारापुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने अमरीश को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 6500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 3500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 304 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 नल रिपोर्ट कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर व 35 सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 26 सीसीटाइज रोड, खडंजे, स्कूल की बाउंड्री व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 420 इज्जत घर, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र मोहम्मद फहीम, ग्राम दूल्हापुर बंद उर्फ दारापुर और थाना असमोली, ब्लॉक भी असमोली है हमारा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितनी भी धनराशि ग्राम निधि में हमें मिली है, हमने पूर्ण रूप से उसका उपयोग किया है और 26 सीसी टाइल्स रास्ते बनवाए हैं और गांव में 35 सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई हैं और उनहत्तर शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 28 प्रधानमंत्री आवास बनवा दिए हैं जो पूर्ण हो गए हैं। और जो अभी पात्र लोग हैं हमारे यहाँ, उन्हें आवासों की सख्त ज़रूरत है और हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि हमारे ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सके और उनको घर मिल जाए, वो चैन की ज़िंदगी बसर करें। और हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सही हमने करा दी हैं और उन कुछ पर काम भी चल रहा है और स्कूल के शौचालय भी बनवा दिए हैं, स्कूल में सफाई की व्यवस्था भी है और गांव में सफाईकर्मी सफाई भी करता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने हिसाब से पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।